नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी मैं विना तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार प्रेप कर में हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए फिर हम लोग आज का जो हमारा सेशन है हम उसे स्टार्ट करेंगे सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे और सेशन को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए और जितना ज़्यादा आप लाइक कर सकते हैं लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दें जी लो लेटिसनशिप नहीं है चलिए सारे लोग आ जाइए जल्दी से एक बार सेशन को शेयर करेंगे गुड इवनिंग साक्षी कार्तिकेय जी गुड इवनिंग मेरा लखनऊ में पेपर है अठारह को हाँ बेटा सेवा ठाकुर बेस्ट विशेष आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार सब कुछ आपके साथ है जैसा कि आज सुबह के पेपर में धुआं धुआं किया है। आप लोगों ने सुबह और दोपहर के पेपर में आप लोग का जो है पेपर आया और आप लोगों ने उसे रिस्पॉन्स किया अच्छा लगा कि आप लोगों ने पेपर अच्छा किया है सर हाँ हाँ सही बात है लव विद जाट बेटा अब लेकिन क्या करें दस नंबर हम पे नहीं है तो अभी हम एक ही नंबर से काम चला रहे हैं उसी से काम चलाना भी पड़ेगा आगे तरफ चलो एक बार सेशन को शेयर कर देंगे जिन लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर ना किया एक बार लाइक कर देंगे जिन लोगों ने लाइक ना किया और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया जल्दी से आ जाइए सारे लोग राधे 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 मेरा पेपर उनतीस को है वरुण द्विवेदी आपका कब है बेटा गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी सोनम ओझा जी राधे राधे चलिए <coughs> तो मैं आप लोग के साथ सेशन को स्टार्ट करने चल रहा हूँ स्पीड में हम 25 क्वेश्चंस करेंगे हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग आधे घंटे में ये 25 क्वेश्चन का सेशन कवर कर लें ठीक है आधे घंटे में हम पच्चीस क्वेश्चन को कवर कर लें ठीक है ना चलिए ये सुबह के पहले दो तीन क्वेश्चन जो हैं वही वाले करेंगे अभी ठीक है इसका आंसर आप फटाफट बता दीजिए मैंने आपको क्लियरली बता दिया ये मॉर्निंग में हमने अभी करा था दोपहर में हाँ आज चमची नहीं दिख रही है दीक्षित को बुलाओ तुम लोग हाँ उसका पेपर ऊपर तो नहीं है आज पता कर लो अगर पेपर ऊपर होगा तो फिर पेपर ऊपर देने गई होगी जी आना चौहान जी हाँ सर अच्छा विकास तिवारी दिनेश कुमार चलो ध्यान से बातें बंद कर दो यहां पर देखिए ए का मतलब क्या है क्रॉस ए का मतलब क्या है क्रॉस बी का मतलब क्या है प्लस बी का मतलब क्या है बेटा प्लस डी का मतलब है डिवाइड और सी का मतलब है माइनस ये लो इसको सॉल्व कर दो तीस और अच्छा छत्तीस छत्तीस डिवाइडेड बाई तीन माइनस दो गुणे पांच तो ये कितना हो जाएगा यहां से आएगा बारह माइनस दस दैट इज दो आ जाएगा दैट इज दो आ जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन ये था कि फ्लोर एफ एल ओ ओ आर फ्लोर को क्या बोला है बेटा बारह आठ सात सात और तीन देखो यहाँ एक बात समझिएगा यहाँ पर अगर हम लोग एक बात समझें तो बात ये समझने वाली होगी कि आर की नीचे एक नंबर हो गया ओ सात और सात चुकी ओ दोनों कॉमन है तो सेम वैल्यू होगी एल का कितना हो गया आठ लेकिन एफ की कितनी वैल्यू है एफ की प्लेस वैल्यू बारह है एफ की प्लेस वैल्यू कितना दिया हुआ है बारह दिया हुआ है ठीक है ठीक है चलो आगे देखो अब आपसे किसके बारे में पूछा है एल ओ एफ ए लोफर हाँ ऐसे यहां पर देखो तो यहां भी एफ है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बारह होगी हाँ चलो ध्यान से देखो यहां पर जब हम इसकी बात करते हैं जब हम इसकी बात करते हैं तो क्या चल रहा है काउंट कॉपी करो एल एल की वैल्यू कितना है आठ दिया हुआ है ओ की कितना दिया हुआ है सात दिया हुआ है एफ की कितना दिया है बारह दिया हुआ है ए का कितना दिया हुआ तो देखो ए का तीसरा अक्षर तो एक का बारह फिर तीन और फिर दो दो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा दो और आर की कितना दिया हुआ है बेटा आर की कितना दिया हुआ है तीन तो एट सेवन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लियर हो गया चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड 25 क्वेश्चन पूरे स्पीडली करने हैं हम लोग को हमारे पास ज्यादा समय नहीं होगा जल्दी जल्दी आप सभी लोग आंसर करना शुरू कर दीजिए जी बेटा रेनू मौर्य हाँ बसीर खान बेटा ये आज की पहली दूसरी शिफ्ट के आधार पर सेट किए गए क्वेश्चन हैं जिस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं ठीक है चलिए दो से सात दो है सात है बाईस है सड़सठ है और 202 है और 607 है अगला क्या आएगा ऐसा पूछा है यहाँ पर तो ध्यान से देखो तो दो तिहाई छः प्लस एक तीन प्लस एक देखो दो तिहाई छः और प्लस एक कर देंगे तो कितना आ जाएगा सात सात तिया इक्कीस और प्लस एक कर देंगे कितना हो जाएगा बाईस बाईस तिहाई छाछठ और प्लस एक कर देंगे तो सड़सठ आ जाएगा सड़सठ आ जाएगा उसके बाद सड़सठ गुणे 3 तीन और प्लस एक कर देंगे तो 202 आ जाएगा ऐसे ही 202 सौ दो, दो गुणे, तीन तो गुणे तीन और प्लस एक कर देंगे तो 607 आ जाएगा और 607 सात गुणे तीन प्लस एक कर देंगे तो कितना आ जाएगा छह तरीक अठारह सौ इक्कीस और एक बाईस 1822 बाईस आ जाएगा कितना आ जाएगा बेटा 1822 बाईस आ जाएगा 1822 बाईस आ जाएगा क्लियर हो गया सभी को चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर चार अब आपके क्वेश्चंस नए स्टार्ट होते हैं जी बेटा 25 क्वेश्चंस आपके हैं तो हम पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या करेंगे कवर अप कर लेंगे जल्दी से बताइएगा नहीं अभी 25 नहीं चलो 12 तेरह क्वेश्चन ही मिले हैं अभी लगता है जितना भी सेशन है हम स्पीडली से कवर अप करना है ठीक है चलिए आगे देखते हैं जो क्वेश्चन बताए थे बच्चों ने उसी के आधार पर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ पर तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन यहाँ पर अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊं तो इस सर्किल के ऊपर एक गोला है जो नहीं दिख रहा है और यहाँ एक एरो है ऐसा है ठीक है जब इसे पलटोगे तो ये गोला नीचे और ये एरो यहीं रहेगा तो गोला नीचे इसमें है इसमें है इसमें इस नहीं है इसमें नहीं है इसका मतलब सी और डी ऑप्शन तो नहीं होगा ये दो ऑप्शन होंगे अब यहाँ देखो बी है और यहाँ पी है तो जब इसे ऐसे पलटोगे तो P ऊपर आ जाएगा P ऊपर आ जाएगा और A ऊपर ऐसे बन जाएगा तो B आंसर बन जाएगा A वाला आपका क्या हो जाएगा गलत आंसर हो जाएगा बेटा अपना टैलेंट ये पहले और दूसरे शिफ्ट के आधार पर मेमोरी बेस्ड या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कल के लिए कल के लिए वेन डायग्राम में ऐसा क्वेश्चन आया था आपके पेपर में बनाओ जल्दी से जल्दी से बताइए क्या आंसर बनेगा शेयर कर दो गांव वालों जी मोहल्ले वालों शेयर कर दो शेयरिंग बहुत जरूरी है शेयरिंग बहुत जरूरी है शेयरिंग बहुत, बहुत जरूरी है चौधरी सर की चुहिया <laughs> बेटा आ, बोल तो रहे थे आ, बच्चे कि सर क्लॉक कैलेंडर के क्वेश्चन नहीं आए हैं ऐसा बच्चों ने बोला है बाकी नॉट श्योर sure. वो तो बच आप ही लोग बता सकते हो आप लोगों में से जिन्होंने पेपर दिया है। चलो जल्दी से देखो यहाँ पर बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा चलो इधर देखो अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें चलिए अब ध्यान से देखिए उसने पूछा कौन सा क्षेत्र उन महिलाओं का है जिन्होंने एम किया है लेकिन कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है कंप्यूटर इंजीनियर हटा दो तो कंप्यूटर इंजीनियर हटाने का मतलब है इसे हटा दो एम किया है और महिलाएं तो क्या आ जाएगा बेटा एम किया ए किया महिलाएं तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या बन जाएगा बेटा चार बन जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सारे लोग इसको सॉल्व करिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा जी बेटा फटाक से बताएंगे सारे के सारे लोग इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा बताइए जल्दी से चलो देखो यहां पर बोला है आपसे ये एक एरो है ऐसे और यहां एक डॉट है ऐसे ही देखो ये यहां से एरो कहाँ आया यहां तो जो क्लॉक वाइज घूमते हम लोग ये जो एरो है एरो है वो कैसे घूम रहा है बेटा वो कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज क्लॉक वाइज कैसे घूम रहा है बेटा क्लॉक वाइज कैसे घूम रहा है क्लॉक वाइज घूम रहा है कैसे घूम रहा है क्लॉक वाइज घूम रहा है अब आगे देखिए यहां पर फिर ऐसे देखो अब देखो यहां फिर, यहां फिर यहां फिर यहां अब अगले में कहा जाएगा अगले में ये तो एरो यहां बनेगा ये तय हो गया अब जस्ट इसके अपोजिट ये डॉट चल रहा है तो ये डॉट यहां जाएगा ख लो इस वाले में दिख रहा है इसमें नहीं है आपका आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा चलिए सिलोलिज्म का क्वेश्चन आया सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था, था। चलो यहां पर देखो यहां पर बोला है सारे क्रोस बर्ड हैं सारे क्रोस क्या हैं बेटा बर्ड हैं ठीक है ना चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग सारे क्रोस बर्ड हैं सारे क्रोस क्या हो जाएंगे बर्ड हो जाएंगे अगला बोला है सम एलिफेंट आर क्रोस कुछ एलिफेंट क्या है क्रोस हैं हाँ उसके बाद बोला है पहला निष्कर्ष बताना है हाँ है ना बेटा बिल्कुल हो जाता क्योंकि पेपर बहुत अच्छा आया था बहुत आसान आया था जी सम एलिफेंट आर बर्ड कुछ एलिफेंट क्या है बर्ड है ये देखो साफ साफ दिख रहा है पहला वाला सही है सारे क्रोज एलिफेंट है सारे क्रोज एलिफेंट है क्या गलत जवाब आ गया सभी क्रोज कहाँ एलिफेंट है बेटा बताना तो आप लोगों में से ऑल वाला सही कर रहे हैं बहुत सारे लोग बोथ राइट कर रहे हैं इसका मतलब आपका आंसर ओनली वन फॉलो है सारे क्रो एलिफेंट बोला है कहाँ है दूसरा सही बोथ रॉन्ग कैसे हो जाएगा हाँ, बताओ तो कहां से बोथ राइट हो जा रहा है हाँ? बोथ रॉन्ग भी कहां से हो जा रहा है बताना तो अरे क्वेश्चन को तो पढ़ लो सारे क्रो बर्ड हैं और कुछ एलिफेंट क्रोज हैं अब बताओ कहां से बन जाएगा ओनली वन हुआ गलत कर दिया क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में कर गलत करके आते तो तुम लोग जी चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां है आपकी स्क्रीन पर बताइएगा सारे लोग क्या आंसर आएगा इसका कोई दिक्कत नहीं बेटा है ना आप क्या कर सकते हैं इसीलिए कहते हैं ना आप खुद फॉर्म भरा करो क्यों दूसरे से फॉर्म भरवा रहे हो अपना जी दूसरे से फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं आप और साइबर कैफे वाले से गलती होगी तो फिर वो थोड़ी ना कुछ कहेगा उसकी गलती हो गया आपका फॉर्म एक साल खराब हो गया पूरा का पूरा खुद फॉर्म भरने की कोशिश करिए ऐसा फॉर्म में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती ना आपकी तो सारी जानकारियां कैलेंडर और क्लॉक आया था अच्छा बेटा तो मैंने आपको कराया तो खैर दोनों है आप लोग को पूरा पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है ग्यारह किससे रिलेट कर रहा है एक से तो क्या हो जाएगा यहां पर जी अगर हम बात करने की कोशिश करें तो 11 का स्क्वायर करो तो 121 और प्लस दो कर देंगे तो कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा ऐसे ही अगर हम 23 की बात करें तो 23 का स्क्वायर और प्लस दो कर देंगे तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तीन तरीका नौ पांच सौ उनतीस हो जाएगा पांच सौ उनतीस और प्लस एक कर देंगे तो पांच आई थिंक आ जाएगा आपका एंसर कितना हो जाएगा पांच 500... हम्म कुछ तो गड़बड़ हो गया दो जोड़ना था सॉरी तो ये हो जाएगा 532 क्या हो जाएगा बेटा 532 532 ठीक है तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हां 531 मैं कर क्या रहा हूं बार बार आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 531 चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ एनालॉगी और क्लासिफिकेशन से पता है इस एनालॉगी और क्लासिफिकेशन से टोटल सात क्वेश्चन आए हैं समरूपता और वर्गीकरण से समरूपता और वर्गीकरण के टॉपिक से समरूपता और वर्गीकरण के टॉपिक से आपके पेपर में सात क्वेश्चन आए हैं बहुत ही ज्यादा सेशन मतलब बहुत ज्यादा पार्ट पेपर का यहां से दिया गया है सेम ऐसे अगर हम लोग बात करें बेटा तो आप लोग का जो स्टैटिक जीके है उससे सात आठ क्वेश्चन आ रहे हैं आपके जीएस वाले पार्ट में हाँ चलो इसको देखिएगा गुलाम वंश के अगर संस्थापक हम कुतुबुद्दीन एबक को मानते हैं तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे ये तो आपका जीएस हो गया बेटा मंजू शर्मा जी बोलने कैलेंडर क्लॉक नहीं आया था एक बालक बेटा बोल रहा है कि मेरे में कैलेंडर क्लॉक आया था अब वो बालक सही कह रहा है या आपने जिनसे पता किया वो सही कह रहा है अब इसका कैसे पता करें बेटा मंजू हां जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसने किया बेटा हाँ अपना फॉर्म आप खुद भरने की हैबिट लाइए कोई समस्या है पूछिए हम आपकी हेल्प करेंगे आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे बेटा फॉर्म भरते हैं लेकिन गलत मत भरो लेकिन फॉर्म को गलत भरने की कोशिश मत करो हाँ, चलो सॉरी तो क्या हो जाएगा बेटा इसका इसका हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अच्छा मुझे एक और बात बताइए चलो ये तो आपने बता दिया कि गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुटुबद्दीन एबक थे खिलजी वंश के संस्थापक कौन हो गए आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अच्छा अलाउद्दीन कौन खिलजी कौन था या मुबारक शाह खिलजी कौन था या मलिक गाजी कौन था आप मुझे ये और कमेंट का बताइए क्योंकि आप जी भी पढ़ते हैं क्योंकि आप जी भी पढ़ते हैं तो आप मुझे कमेंट करके यही बताएंगे कि, कि अलाउद्दीन खिलजी कौन था या मुबारक शाह खिलजी कौन था या मलिक गाजी कौन था जल्दी से बताएंगे सभी लोग hmm. जल्दी से बताएंगे सारे के सारे लोग फटाफट बताएंगे सभी लोग क्या रिस्पॉन्स बनेगा जी तो अगर हम लोग बात करें बेटा अलाउद्दीन खिलजी की तो अलाउद्दीन खिलजी जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का उत्तराधिकारी था क्या था बेटा उत्तराधिकारी था उसके बाद अगर हम मुबारक शाह की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का क्या था वो उत्तराधिकारी था जलालुद्दीन खिलजी किसका उत्तराधिकारी था अलाउद्दीन खिलजी का हाँ ठीक है ना अलाउद्दीन खिलजी किसका उत्तराधिकारी था अलाउद्दीन खिलजी किसका उत्तराधिकारी था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ऐसे ही आ, मुबारक शाह खिलजी कौन था वो अलाउद्दीन खिलजी का जी अलाउद्दीन खिलजी का क्या था बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया जी चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आपको बताना है निम्नलिखित चार आ, अक्षर समूह दिए गए हैं, जिसमें से तीन किसी प्रकार से समान है जबकि चौथा भिन्न है उस अक्षर समूह को पहचाने जो अन्य से भिन्न है भाषा है रसायन विज्ञान जैन विज्ञान वनस्पति विज्ञान ये आपका वर्गीकरण का टॉपिक है वर्गीकरण ऑड वन आउट बच्चे बता रहे थे जो आप लोग के पेपर में नंबर सीरीज आई थी जो आपके पेपर में नंबर सीरीज आई थी उसमें दो क्वेश्चन तो आसान थे उसमें दो क्वेश्चन तो क्या थे बहुत आसान थे लेकिन तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था थोड़ा सा ज्यादा ऐसा नहीं था कठिन था ठीक है हम वैसा करेंगे रात की दस बजे वाली जो क्लास होगी उसमें मैं और क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ बना रहा हूँ उस तरीके के फिर दस बजे वाली में हम बेहतरीन और अच्छा सा करेंगे तीस क्वेश्चन तक का चलो तो यहाँ पर देखो भाषा अलग हो जाएगी क्योंकि केमिस्ट्री लाइफ साइंस और वनस्पति विज्ञान ये तीनों विज्ञान की शाखाएं हैं और वो अलग है चलिए क्वेश्चन नंबर ग्यारहवें पे हम आ चुके हैं जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा जी बेटा जल्दी से निकालिए इसको बताइए तो क्या आंसर आएगा जल्दी से निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा फटाफट बताएंगे सभी लोग जी चलिए बताइए इसको पूरा करिए एक तो ये होगा एक ये होगा एक, ये होगा एक ये होगा एक ये होगा एक ये होगा और एक ये होगा लेकिन इसमें लाइन 20 से जाएगी ऐसे इस टाइप से देखो तो कौन सा वाला बनेगा इस टाइप से देखो तो कौन सा वाला बनेगा हाँ जय हिंद बेटा चलो इधर देखो तो इस वाले में अंदर की लाइन नहीं है काट दो इस वाले की जब हम बात करते हैं तो आ, एक सेकेंड अंदर तो लाइन जानी नहीं थी इसमें अंदर लाइन है इसलिए ये काट दो इसमें भी अंदर लाइन है इसलिए काट दो इन दोनों में सब कोई हो सकता है इसमें देखो ये ये लाइन एक्स्ट्रा बन गई इसलिए भी काट दो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर बारहवा आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर बारहवा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है पेपर का फिफ्टी परसेंट हमारा कवर होता है इस क्वेश्चन के साथ उस विकल्प आकृति को ज्ञात कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति निहित है इसके दो क्वेश्चन आए थे इम्बीडियट फिगर के इम्बीडियट फिगर के दोपहर वाले शिफ्ट में दो क्वेश्चन थे इम्बीडियट फिगर के सेकेंड शिफ्ट में बच्चे ने जो बताया था कि दो क्वेश्चन आए थे तो सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये लाइन है लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं जुड़ा हुआ है इसमें भी सेम नहीं जुड़ा हुआ है इसमें भी नहीं जुड़ा हुआ है जुड़ाव इसमें है जुड़ाव किसमें है इसमें है, इसमें है। इस टाइप से तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सभी लोग इसको करिए। लो हाँ। बताइए पूरे पूरे 25, 25 आने चाहिए और आ भी रहे बच्चे कर के कर आ रहे हैं एक बच्चे ने अभी दोपहर में बात की थी तो उसने 25 में से 24 क्वेश्चन किए थे और उसने बोला सर वही कि हम सर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन

हाँ एग्ज़ाम एनालिसिस बैन बेटा बैन वैन है सब मानते हैं हम आपकी बात लेकिन अभी तो ऐसे भी हम लोग को बस दो शिफ्ट ही करनी होती तीसरे में बच्चे को लेट हो रहा होता है घर जाने के लिए तो वो घर के लिए निकल रहे होते हैं जी वो घर के लिए निकल रहे होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये भी करना अभी सही था बताइए जल्दी से सत्तर प्लस चौवालीस चलो आ जाओ देखो यहां पर क्या हो रहा है अगर हम यहां पर देखने की कोशिश करें तो ग्यारह चार पंद्रह बाईस देखो पांच और दो सात दो और एक तीन बाईस प्लस दो प्लस दो ते तीस सात तीन दस का जीरो फिर, फिर तीन तीन एक सात अब कितना जोड़ देंगे चौवालीस तो कितना हो जाएगा चार और सात चार ग्यारह एक सौ चौदह यानी वन वन फोर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा वन वन फोर क्लियर हो गया यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं चलो अच्छी बात है यानी यहां तक की बात में किसी को कोई समस्या नहीं हुई है ठीक है ना जी चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन अगला क्वेश्चन आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन जल्दी से निकाल के बताओ इसमें से कौन सा वाला अलग है आपको बताना है अक्षर समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके समान है और एक भिन्न है बेजोड़ चुनिए बेजोड़ यानी जो अलग वाला है उसको चुनकर बताइए क्या बनेगा तो गौर से देखिए यहां पर टी यू एल एम ई एफ के ई ये गलत हो गया मतलब ये अलग हो गया ये वाला क्या हो गया अलग हो गया कारण देखो यहां पर क्योंकि टी के बाद यू एल के बाद एम और ई e के बाद एफ ये प्लस वन प्लस वन प्लस वन का लॉजिक लेकर चल रहे थे लेकिन अगर हम लोग बात करें तो के और ई e, ये कभी भी जुड़े नहीं है कभी भी जुड़े नहीं है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर पंद्रह जी क्वेश्चन नंबर पंद्रह आपकी स्क्रीन पर है जल्दी से निकालिए और बताइए क्या आंसर आएगा बहुत सही तो कौन सा आंसर आया बेटा डी वाला चलिए पंद्रह टोटल कितने क्वेश्चन है बेटा टोटल आपके पास बीस क्वेश्चन है जिसमें से हम पंद्रह पे पहुंच चुके हैं ठीक है चलो ध्यान से देखो अब बोला इसे पलटो इसे जब पलटेंगे तो ये एरो ऐसे और ये वाला एरो ऐसे पहले तो ऐसे एरो किस में बन रहा है देखो इस वाले में नहीं है ए ऑप्शन काट दो इसमें 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 इन तीन में है अब देखो जैसे ये सेम बना है वैसे बनेगा तो काम चलेगा नहीं तो ये वाला तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया क्यों क्योंकि ये ऊपर कलर कर दिया है तो ये वाली बात भी गलत हो गई अब बच्चे इन दो ऑप्शन में से कोई होगा अब देखो ये भी कन्फर्म है कि जब ये यहाँ से पलटेगा तो इस हाफ़ में आएगा इस हाफ़ में देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है अभी आप क्लियर नहीं कर सकते कौन सा आंसर बनेगा अब ये यह देखो यहाँ से ये एरो है और यहाँ से ये एरो है इसको जब आप पलटोगे तो देखो यहाँ एरो ही नहीं है इसमें देखो ये वाला एरो दिख रहा है और इसमें देखो ये वाला एरो दिख रहा है लेकिन इस वाले में अगर गौर से देखो इस वाले में अगर गौर से देखो तो दोनों एरो होने चाहिए देखो इस लाइन पे कोई एरो नहीं है इसमें एक एरो अच्छा ऊपर वाली में नहीं है यहाँ पर देखो गौर समझो तो इस चीज़ को इसमें नहीं है इसमें है और इसमें नहीं है इसमें है और जब आप इसे पलटोगे तो ये चीज़ नहीं वाली और ये एरो वाली इधर आएगी तो नहीं वाली एरो वाली यहाँ आएगी यहाँ पर एरो वाला आ रहा है इसलिए गलत है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी वाला आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा बी वाला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सोलह जल्दी से निकालिए और बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा जल्दी से बताएंगे सारे के सारे लोग इसका क्या आंसर बनेगा जी बेटा चलो देखो तेरह जिस तरीके से 196 से संबंधित है सोलह किससे संबंधित होगा सोलह तो देखो तेरह के बाद क्या आता है तेरह प्लस एक का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 196 ऐसे ही सोलह सोलह के बाद सोलह प्लस एक यानी सत्रह का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा टू एट्टी नाइन दो सौ नवासी टू नाइन यानी दो सौ नवासी चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बताइए सिलोलिज्म का सत्रहवा क्वेश्चन है सिलोलिज्म का चलिए बताइए क्या बोला है सारे रैट क्या है बेटा आपके कैट हैं सारे कैट क्या हैं डॉग हैं अब यहां पर देखो क्या बोला है आपसे यहां पर बोला है सम डॉग आर कैट कुछ डॉग क्या है बेटा कुछ डॉग क्या है कैट है कुछ डॉग क्या है कैट है ये वाली बात आपकी साफ साफ दिखाई दे रही है क्या हो जाएगी बेटा सही हो जाएगी और सम डॉग आर कैट सम डॉग आर रैट और सम डॉग आर कैट दोनों के दोनों क्या हैं आपके सत्य हैं दोनों के दोनों क्या हैं आपके सत्य हैं तो आपका कौन सा ऑप्शन चला जाएगा बेटा यदि एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा एम ओ बी आई एल ई मोबाइल मोबाइल को क्या बोला है बेटा एन वाई एन एल वाई आर ओ वी तो एल ए पी टी ओ पी लैपटॉप लैपटॉप को क्या बोला है लैपटॉप को क्या बोला है जल्दी से बताएंगे सारे लोग सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करेंगे जिन लोगों ने शेयर ना किया एक बार सेशन को लाइक करेंगे जिन लोगों ने लाइक ना किया और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया चले बताइए जल्दी से दिख रहा है आप लोगों को क्या दिख रहा है ये इसका ये इसका अपोजिट 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 ये विपरीत अक्षर लिखे हुए सारे एल का ओ ए का जेड पी का के टी का जी ओ का एल और पी का के तो आपका आंसर होगा ओ जेड के जी एल के ओ जेड के जी एल के ओ जेड के जी एल के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा बेटा सी बन जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन आ चुके हैं देख लीजिए बेटा पच्चीस मिनट हुए हैं अभी हम लोग के और हम लोग भी उन्नीस में बीसवें क्वेश्चन पे आ चुके हैं जबकि आपको सारे क्वेश्चन में एक एक करके एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं बनाना ही पड़ेगा दीक्षित आई नहीं है अभी तक तो उसको तो मुर्गी बनाना पड़ेगा आज चलो जल्दी से देखो नेक्स्ट वाला तो ए से सी प्लस दो सी से ई e प्लस दो ई e से जी प्लस दो और जी से प्लस दो पांच और दो सात सात बोले तो सात और सात और दो नौ यानी आई 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 ओ से क्यू पंद्रह और दो सत्रह सत्रह और दो उन्नीस उन्नीस और दो इक्कीस इक्कीस और दो इक्कीस और दो तेईस तेईस बोले तो डब्ल्यू 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 यहां भी नहीं है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा चलो एक सेटिंग का जो क्वेश्चन आया था लेकिन मैं आप लोग को लाइन का करा रहा हूं जी क्योंकि कल आप लोग को लाइन की सेटिंग मिलेगी इस बात की गारंटी है बेटा आ, हाँ बेटा बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आए आप लोगों ने बच्चों से रिव्यू भी सुन लिया होगा जो बच्चे लाइव रहे होंगे उस टाइम चलो ध्यान से बोल रहा है एक दो तीन चार पांच छे सात सात लोग हैं उत्तर की तरफ एक दो तीन चार पांच छ साथ नॉर्थ फेसिंग बैठे ये राइट है और ये लेफ्ट है चलो देखो यहां पर क्या बोला है लेकिन उसका आ, समान क्रम होना आवश्यक नहीं है बी किसी एक छोर पर बैठा है बी किसी किनारे पर बैठा है बी यहां है या तो यहां पर है आगे देखो क्या बोला है बी किस बी ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है ई के दाएं तो देखो अब ई का दाया तो इधर होगा ना और ये ई के बाएं हो रही है इसलिए ये वाला गलत हो गया कौन सा बनेगा ये लास्ट वाला तो यहां रखो बी को ई e के दाएं तो एक और दो ई e को जैसे यहां रखा तो ई e का दाएं हुआ पहला दूसरा बी बैठा है एफ ए और डी का निकटतम पड़ोसी है एफ ए और डी का तो यानी एफ जो है वो ए और डी के बीच में बैठा है एफ ए और डी के बीच में बैठा है जी एफ के दाएं बैठा है जी जो है वो एफ के दाएं बैठा है एफ के दाएं कौन बैठा हुआ है एफ के राइट साइड में कौन आएगा जी आएगा जी एफ के दाएं बैठा हुआ है। ए ई e का निकटतम पड़ोसी है ए ई e का निकटतम पड़ोसी है ए यहाँ भी हो सकता है ए यहां भी हो सकता है लेकिन अब एक ट्विस्ट है जैसे मान लो अगर मैंने ए को यहाँ रखा तो ए और डी के बीच में एफ नहीं आ पाएगा इसका तात्पर्य यह हुआ कि ए कहां आएगा यहाँ अब ए और डी के बीच में एक छोड़ा तो ए और डी के बीच में कौन बैठा एफ हाँ उसके बाद क्या एक लाइन थी जी वाली जी एफ के दाएं बैठा है जी एफ के दाएं बैठा है तो बच कौन सा अक्षर गया ए हो गया बी हो गया सी हो गया डी हो गया ई एफ जी सी नहीं हुआ ये लो अब आपसे पूछा सी के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है तो सी के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है सी के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है सी के दाएं एक दो तीसरे स्थान पे कौन बैठा है ए बैठा है नमस्ते बेटा बीपी नमस्ते नमस्ते तो ये सेशन इतना ही था फास्ट हमने 20 क्वेश्चन करा दिए जो मुझे मिले उस टाइप के मैंने क्वेश्चंस बनाए और उसको कर दिया है ठीक है ना उसको मैंने आपको क्या कर दिया करवा दिया है हाँ लेकिन मैंने आप लोग को जितना डिटेल आया है उतना ही मैंने आपको उस टाइप से उस लेवल पर करा दिया है अब सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा इस सेशन को शेयर कर देना पड़ेगा जिससे आपके साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके कि मैंने यहाँ पर आज की शिफ्ट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराए हैं बाकी आपसे मुलाकात होगी कब रात दस बजे वाली क्लास में आप सारे लोग वहाँ मिलिएगा और वहाँ धुआंधार तरीके से हम तीस क्वेश्चन करेंगे मैं ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके कल होने वाले पेपर में विद्यार्थियों का क्या करेंगे सहयोग करेंगे तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं मस्त रहिए है, खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जिन लोगों ने अभी तक प्रेपकर ऐप को डाउनलोड ना किया भाई साहब डाउनलोड कर लो पाप लगेगा तुम लोग को इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप लोग डाउनलोड नहीं कर रहे हैं ऐप या यूट्यूब पे क्लासेस को लाइक नहीं कर रहे हैं तो भाई साहब पाप लगना तो बनता है ठीक है ना तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं मस्त रहिए है, खुश रहिए मुस्कुराते रहिए जय हिंद जय भारत प्रैप कर एग्जाम क्रैक कर थैंक यू